हे गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम पुष्पेंद्र, आप देख रहे हो पेंटेक। सो फ्रेंड, आज हम इस शानदार पावरफुल और खूबसूरत इस मिनी वाटर पंप को बनाने जा रहे हैं और ये चलता है 12 वोल्ट और 5 वोल्ट में। हालांकि 12 वोल्ट में सबसे अच्छा प्रमोशन देता है और इसको बनाया भी बहुत ही सिंपल तरीके से, और इसको बनाने के बाद इसको स्टेप बाय स्टेप समझा भी दिया और इसको वीडियो के लास्ट में अलग अलग जगह पर टेस्ट करके भी दिखाया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए ज्यादा टाइम लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये डीसी मोटर 12 वोल्ट का है और इसका टॉर्क भी बहुत अच्छा है। मोटर से थोड़ा मोटा एक प्लास्टिक का पाइप, यहाँ पर आप पीवीसी पाइप का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरह के एक वाटर पंप का पॉपुलर, इसका मार्केट से खरीद भी सकते हो और चाहो तो घर पे बना भी सकते हो, लेकिन इसका शेप ऐसे ही होना चाहिए। और इसको मोटर से काट करने के लिए इस तरह का पेन से थोड़ा सा काट लिया। तो दोस्तों, ये सारे कंपोनेंट आपको लोकल मार्केट पर मिल जाएगा और इसका ऑनलाइन लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप चलिए, इस पाइप का दोनों साइड बंद करने के लिए और मोटर को बीच में फिट करने के लिए कुछ प्लास्टिक के गोलाई काट लेते हैं। तो मैं उसके लिए पाइप को इस तरह से ऊपर रख के पेन की मदद से इस तरह से लाइन खींच लूँगा। तो चलिए अब इसको काट के अलग कर लेते हैं और ऐसे ही तीन चार करना है। तो देख सकते हो यहाँ पर हम चार प्लास्टिक का गोलाई काट लिया। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग किसी भी प्लास्टिक या कोई भी चीज़ से इसे बना सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर पहले मोटर को फिट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इंस्टेंट ग्लू का यूज़ करने वाले हैं। तो देख सकते हो इसको अच्छी तरह से फिट कर दिया और पेन का कनेक्टर को भी लगा दिया। अब चलिए ग्लू गन की मदद से थोड़ा सा ग्लू भी डाल देते हैं इसका जॉइंट में, ताकि ये लीकेज ना हो। हो गया। अब चलिए पॉपुलर को भी मोटर के साथ जोड़ देते हैं और इसको भी फिट करने के लिए मैं इंस्टेंट ग्लू का यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ग्लू डालने वाला हूँ और आराम से मोटर के ऊपर से लगा दूंगा। तो देख सकते हो बहुत अच्छे से फिक्स हो गया। अब चलिए देखते हैं इसको टिप कंजर कैसे फिट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने जरूरत के हिसाब से पाइप को इतना काट लिया। तो चलिए इसको भी पहले इंस्टेंट ग्लू की मदद से जोड़ देते हैं और यार लीकेज को बंद करने के लिए ग्लू डाल देते हैं। लेकिन उसके पहले यहाँ पर एक छोटा सा छेद कर लूँगा वाटर को निकालने के लिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर इस छेद को सोल्डरिंग आयरन की मदद से करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट करके रहते हैं। तो देख सकते हो इसको सोल्डर राउंड की मदद से राउंड में अच्छी तरह से छेद कर दिया। अब चलिए इसको जोड़ देते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो दोबारा देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अब चलिए पानी आने के लिए जो मुंह होता है उसको पहले बना लेते हैं। और इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा जुगाड़ करने वाला हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना। इसको भी सुपर ग्लू की मदद से अच्छे से चिपका लूंगा। और यहाँ पर भी एयरटाइट करने के लिए ग्लू गन की मदद से ग्लू डाल दूंगा। तो दोस्तों, देख सकते हो दोनों तरफ ग्लू डाल के इसको अच्छी तरह से एयरटाइट कर दिया। आप चलिए इसके ऊपर इसको अच्छी तरह से जोड़ देते हैं। इसे भी पहले इंस्टेंट ग्लू से चिपका लूंगा और बाद में एयरटाइट करने के लिए ग्लू गन से ग्लू डाल दूंगा। तो दोस्तों, देख सकते हो अभी जुड़ गया। तो चलिए इसको एयरटाइट करने के लिए इसका चारों तरफ अच्छे से ग्लू डाल देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर हो तो पेंटेक को जरूर फॉलो करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है।
हो गया। तो एक्चुअली इस रिंग को भी मोटर के पीछे लगा देते हैं सपोर्ट के लिए। अब बस इस पाइप को ही फिट करना बाकी है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना। तो दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बिजली फिटिंग में काम में आने वाला एक पाइप को ले लिया। इसकी जगह पर आप कोई भी पाइप या किसी भी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको हम पहले इस तरह से लाइन के बराबर काट देंगे। तो देख सकते हो इसको हमने बिल्कुल सही तरह से काट दिया। अब इसको एक्यूरेट शेप देने के लिए इस पाइप के ऊपर एक सैंड पेपर रख के थोड़ा सा घिस लूंगा। तो देख सकते हो अब ये पाइप के बराबर बिल्कुल फिट हो गया। अब चलिए इसको भी ग्लू की मदद से चिपका देते हैं। हो गया। आप यहाँ पर भी वाटर लीक से ना हो इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा ग्लू डाल दूंगा। तो फ्रेंड वाटर पंप तो बिल्कुल रेडी हो गया। आप चलिए इसको एक लकड़ी के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पर ग्लू गन की मदद से चिपकाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट लगा लेते हैं। तो देख सकते हो इसको हमने लकड़ी के ऊपर अच्छी तरह से इंस्टॉल कर दिया। आप चलिए 12 वोल्ट की एयर ट्यूब के साथ जोड़ देते हैं। दोस्तों आप लोग चाहो तो इसको 12 वोल्ट का बैटरी से भी चला सकते हो। मेरे पास अभी 12 वोल्ट का बैटरी नहीं है इसलिए एयर ट्यूब से काम चला रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर सोल्डिंग करने से पहले एक बार चलाकर देख लेना, क्योंकि मोटर उल्टा घूमेगा तो ये पंप बिल्कुल काम नहीं करेगा। मैं तो फिलहाल यहाँ पर पहले ही प्लस और माइनस मार्क करके रखा हूँ। तो चलिए उसके हिसाब से लगा देते हैं। तो देख सकते हो कनेक्शन हो गया। आप सोल्डरिंग छूट न जाए इसलिए वायर को लकड़ी के साथ चिपका लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो वाटर पंप बिल्कुल कंप्लीट हो गया। आप चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं और इसको अलग अलग दो जगह पर टेस्ट करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना और हो सके तो वीडियो को पूरा देखना, आपको पता चल जाएगा 100% वर्क करते हैं। तो आपने मोटर की आवाज़ सुन सकते हो।
तो आपने देखा ये वाटर पंप कितने अच्छे से काम कर रहे हैं और ये 100% वॉकेबल है। तो चलिए आप दूसरी जगह पर भी टेस्ट करके दिखा देते हैं। मतलब जल ना लगे साइड ना पीओ डुबी डुबी जल भर गए तो दोस्तों यहाँ तक आ ही गए तो वीडियो को जरूर एक लाइक करना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।